हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है पीयूष खांबिया और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस रीडिंग क्लासेस के चैनल पर। और हम हर रोज 5 क्वेश्चंस लेकर आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो कि है मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, और जो कि आपके लिए बहुत काम आ सकते हैं जो भी एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम्स देने वाले हैं बहुत जल्दी, और या फिर इस टाइप के एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए बहुत काम आ सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की नदियाँ। और इस चैनल की खासियत यह है कि हम दोनों में, मतलब हिंदी में भी और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में उसके जो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो देखने का नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे। और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो भी इस टाइप के एग्जाम्स देने वाले हैं बहुत जल्दी या फिर आगे फ्यूचर में। और अगर आपको कोई भी हमारे लिए सजेशन है तो प्लीज आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट करके बताइए, तो हम उस चीज पर गौर करेंगे, और अगर वो रिक्वायर्ड होगा तो हम उस पर वीडियोज भी बनाएंगे आप सबके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, तवा जलाशय किसके मध्य स्थित है? ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण, बी कोलार और हलाली बांध, सी रानी अनवतीबाई सागर एवं सुक्ता सागर, डी व्यारमा बरना नदियों। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर है ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा श्रेणी के कालीभीत पहाड़ियों के निकलने वाली तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तवा नदी पर बने बांध से तवा जलाशय निर्मित हुआ है, जो होशंगाबाद जिले में ही स्थित सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी अभ्यारण्य के मध्य स्थित है। लेट्स गो फॉर द सेम क्वेश्चन इन इंग्लिश। The Tawa Reservoir is located in the middle of which places? A. Satpura National Park and Bori Reserve, B. Kolar and Halali Dam, C. Rani Amrati Bai Sagar and Sukta Sagar, D. Vyarama Barna Rivers. Let's go for the answer. Answer is A. Satpura National Park and Bori Reserves. The Tawa River, which runs from the Kalibhit Hills of Satpura Range in Hoshangabad district of Madhya Pradesh, is the tributary of River Narmada. A Tawa River reservoir has been constructed from the dam built on the Tawa River, which is located in the Hoshangabad district between Satpura National Park and Bori Reserve. सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सेकेंड प्रश्न है अपना, कपिलधारा को किस तरह वर्णित किया गया है? ए अमरकंटक की एक छोटी नदी, बी नर्मदा की एक सहायक नदी, सी नर्मदा नदी का जलप्रपात, डी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। तो इसका आंसर दोस्तों, उत्तर है इसका सी नर्मदा नदी का जलप्रपात। कपिलधारा मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात है। यह जलप्रपात नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नर्मदा नदी 125 फीट की ऊंचाई से यह जलप्रपात का निर्माण करती है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कपिल मुनि यहां निवास करते थे तथा सांख्य दर्शन की रचना भी इसी स्थान पर की गई थी। कपिलधारा के निकट ही कपिलेश्वर मंदिर भी स्थित है। तो आइए इसी क्वेश्चन को देखते हैं इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाउ इज कपिलधारा डिस्क्राइब्ड? So the options are A. Small river of Amarkantak, A small river of Narmada, C. Waterfall of Narmada River, D. Origin of Narmada River. Let's go for the answer. Answer is exactly that is C.
Waterfall of Narmada River. Kapil Dhara is a waterfall located on the river Narmada in Anuppur district of Madhya Pradesh. This waterfall is located approximately 8 km away from Amarkantak on the originating river Narmada River. The Narmada River produces this waterfall from an altitude of 150 feet. According to religious texts, Kapil Muni used to live here. And the composition of Sankhya Darshan also went to this place. The Kapileshwar Temple is also located near Kapil Dhara. Let's go for the question number 3. Question number 3 is, in Hindi, Sahasrdhara Jalprapat kis nadi par hai? Iska option hai A. Tapti, B. Narmada, C. Chambal, D. Mahi. To uttar hai dosto D. Narmada. Sahasrdhara Jalprapat Madhya Pradesh ki जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी पर स्थित है। वास्तव में यह प्रदेश के मंडला जिले में एक प्राचीन स्थान है। कहा जाता है कि सहस्त्रबाहु ने नर्मदा के प्रभाव को रोकने की प्रयास किया था, किंतु नर्मदा कई धाराओं में बटकर बहने लगी, इसीलिए उसका नाम सहस्त्रधारा पड़ा। Let's go for the same question in English. Question number 3. Sahasrdhara Fall is on which river? Options are A. Tapi, B. Narmada, C. Chambal, D. Mahi. So the answer is exactly, my dear friends, that is B. Narmada. Sahasrdhara Fall is situated on the Narmada River, which is called the lifeline of Madhya Pradesh. In fact, it is an ancient place in Mandla district of the state. It is said that Sahasrbahu had tried to stop the flow of Narmada, but Narmada started fluttering in many streams. So the name Sahasrdhara is. Let's go for the fourth question. Prashn 4 hai apna, kis nadi ko prachin samay mein Charmavati kaha jata tha? Option hai A. Chandra केश्वर, बी चंबल, सी तवा, डी पार्वती। तो इसका उत्तर है दोस्तों बी चंबल। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील की जानापावा पहाड़ी से निकलने वाली चंबल नदी प्राचीन नाम चमरावती चर्मवती है। श्रीमद् भगवत एवं महाभारत माकडे वायु ब्राह्मण मत्स्य पुराणों में चंबल को चमरावती कहा गया है। महाभारत में कहा है कि राजा रंतिदेव द्वारा अतिथियों का सत्कार के लिए बलिदान की गई गायों के चर्म से जो खून बहा उनसे ही चर्मावती का उद्गम हुआ। लेट्स गो फॉर द सेम क्वेश्चन इन इंग्लिश। विच रिवर इज कॉल्ड एज चर्मावती फ्रॉम एंशियंट टाइम्स? ए चंद्रा केश्वर, बी चंबल, सी तवा, डी पार्वती। सो द आंसर इज बी, दैट इज चंबल। द एंशियंट नेम ऑफ द रिवर चंबल विच इज डिराइव फ्रॉम जानपाव हिल ऑफ महू तहसील ऑफ मध्य प्रदेश इंदौर डिस्ट्रिक्ट इज द एक्सट्रीमा। चंबल हैज बीन कॉल्ड चमरावत इन श्रीमद् भगवत एंड महाभारत मार्कडे वायु ब्राह्मण मत्स्य पुराणस। इट हैज बीन सेड इन द महाभारत दैट द ब्लड फ्लो केम फ्रॉम द ब्लड विच वॉज सैक्रिफाइड बाय किंग रातिदेवा द सैक्रिफाइड ऑफ द काउज सैक्रिफाइड फॉर द गेस्ट। ओके लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज, पांचवा क्वेश्चन है अपना, पचमढ़ी में अप्सरा फॉल दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ए परी फॉल, बी काबिनी फॉल, सी रजत फॉल, डी कपिल झरना। तो इसका आंसर है ए परी फॉल।
मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन और पर्यटकों का स्वर्ग कही जाने वाली पचमढ़ी अपने सुंदर जलप्रपातों के लिए भी जानी जाती है। इन्हीं में से एक खूबसूरत जलप्रपात अप्सरा फॉल है, जिसे परी फॉल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, अप्सरा फॉल्स इन पचमढ़ी इज नोन बाय व्हाट अदर नेम? सो द ऑप्शंस आर ए परी फॉल, बी काबिनी फॉल्स, सी सिल्वर फॉल, डी कपिल फॉल्स। सो द आंसर इज दैट इज ए परी फॉल। पचमढ़ी द ओनली हिल स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश एंड द टूरिस्ट पैराडाइज इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स ब्यूटिफुल वॉटरफॉल्स। वन ऑफ दीज ब्यूटिफुल वॉटरफॉल इज अप्सरा फॉल्स, विच इज ऑल्सो नोन एज परी फॉल्स। तो दोस्तों, आज के 5 क्वेश्चंस खत्म हुए। कल फिर हम आएंगे आपके पास नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी। तब तक हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।